नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर इंस्पायर सस में। दोस्तों, 300 प्रश्नों की सीरीज का सेट नंबर 3 है, जिसमें हम टोटल 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हु इज द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकेल ऑफ मालगुड़ी। फिक्शनल लोकेल मालगुड़ी, फिक्शनल लोकेल साउथ इंडियन एक फिक्शनल टाउन था, टाउन जिसको आरके नारायण जी ने अपनी कई रचनाओं में जिक्र किया। आरके नारायण जी का पूरा नाम राशिपुरम, पूरा नाम इनका राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। इनका लाइफ स्पैन 1906 से 2001 तक है, जो अपनी गाइड स्वामी एंड फ्रेंड्स और अन्य नॉवेल के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन डायस्पोरिक राइटर, कौन डायस्पोरिक राइटर नहीं है। सस्तीदेश पांडे, सुजाता भट्ट, मीना अलेक्जेंडर, झुम्पा लहरी, डायस्पोरिक राइटर रहते लिखते हैं, इसमें से कौन से नहीं है। तो शशि देश पांडे विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए विल बी द राइट आंसर। डायस्पोरिक राइटर ऐसे राइटर जो अपनी लेखनी, अपनी रचना के माध्यम से दुनिया की सभी भाषाओं की रचनाओं को प्रभावित करते हों, ऐसे राइटर्स को डायस्पोरिक राइटर कहा जाता है, जिसमें शशि देश पांडे डायस्पोरिक राइटर नहीं है। बाकी सुजाता भट्ट, मीना अलेक्जेंडर, झुम्पा लहरी ये डायस्पोरिक राइटर हैं। झुम्पा लहरी भाई हैं, जिनको 2000 में प्लीटजर प्राइज दिया गया था, प्लीटजर प्राइज से नवाजा गया था, जो पहले भारतीय थे जिनको प्लीटजर प्राइज दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रा बनर्जी देवकांडीज लेटेस्ट बुक पब्लिश इन 2019। चित्रा बनर्जी की हाल की बुक 2019 में जो पब्लिश हुई, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, द फॉरेस्ट एन्चेंटमेंट, द मिस्ट्री ऑफ स्पीसीज, द बिफोर वी विजिट द गॉडेस। तो फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट 2019 में पब्लिश हुई, जो भारतीय इपिक रामायण से प्रभावित है, जो सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस रचना को प्रदर्शित किया है एज अ राइटर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा सुटेबल मैच नहीं है। विक्रम सेठ सुटेबल हुआ, जो 1993 में पब्लिश हुआ। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, जो 1981 में पब्लिश हुआ, ये भी सही है। अरुंधति गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में पब्लिश हुआ, ये भी सही है। अमिताभ घोष द वाइट टाइगर, ये जो है अमिताभ घोष जी का नहीं है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी का है, जो 2008 में पब्लिश हुआ। सुटेबल बॉय सिंगल वैल्यू में पब्लिश होने वाला, सबसे लंबा नॉवेल है, सबसे लंबा नॉवेल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ आईवीस ट्रायोलॉजी अमिताभ घोष इज कॉल्ड, फ्लड ऑफ फायर, सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द सर्किल ऑफ फ्रीडम। फ्लड ऑफ फायर जो कि 2015 में पब्लिश हुआ, सी ऑफ पपीज की बात करते हैं तो 2008 में, और रिवर ऑफ स्मोक की बात करते हैं तो 2011 में पब्लिश हुआ। आईबीस ट्रायोलॉजी की बात करते हैं तो आईबीस ट्रायोलॉजी जो इंडिया एंड चाइना ओपियम ट्रेड वार को दर्शाती है, ओपियम
ओपियम ट्रेड को दर्शाती है, ओपियम ट्रेड को दर्शाती है। तो पांच का ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर। कौन मैन बुकर प्राइज का विनर नहीं है? वी एस नेपाल, अनिता देसाई, किरण देसाई, अरविंद अडिगर। वी एस नेपाल जी को 1971 में इनको बुकर प्राइज दिया गया, मैन बुकर प्राइज। किरण देसाई जी को 2006 में और अरविंद अडिगा जी को 2008 में मैन बुकर प्राइज दिया गया, मैन बुकर प्राइज 2008 में अनिता देसाई जी को अभी तक मैन बुकर प्राइज नहीं मिला। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, अनिता देसाई। हालांकि इनको मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था पर इनको प्राइज दिया नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस इज अ नॉवेल रिटन बाय सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, जिम पैलेरी, विक्रम सेठ। तो ये अरुंधति रॉय जी का नॉवेल है जो उनका सेकेंड नॉवेल है जो 2017 में पब्लिश हुआ, जो कि गोधरा ट्रेन कांड को दर्शाता है जो कश्मीर में विद्रोह हुआ उस पर लिखा गया है। गोधरा कांड जो कश्मीर में हुआ था उसके विद्रोह को दर्शाता है मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमस हैप्पीनेस जो 2017 में पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द फाइनल सॉल्यूशन इज अ फेमस प्ले रिटेन बाई किसके नाम, महेश दल्तानी, गुरचरण दास, आसिफ क्रिम्बोर, निसिम इज़ज़किल। तो ये महेश दल्तानी जी का है, महेश दल्तानी जिसको 1993 में पब्लिश हुआ 1993 में। तो क्वेश्चन नंबर आठ का ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ, वेरिथा इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे, रस्किन बॉन्ड, रविंद्र तिराज, शशि देश पांडे। वेलुथा कैरेक्टर बात करें, वेलुथा ये अरुंधति राय से लिया गया, अरुंधति राय जी के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिया गया है जो 1997 में पब्लिश हुआ, जो जिसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज 1997 में दिया गया अरुंधति राय जी को 1997 में मैन बुकर प्राइज से भी नवाजा गया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करते हैं तो ये लगभग 50 अन्य भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। अरुंधति राय जी नाइन का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर टेन, Wings of Fire इज एन ऑटोबायोग्राफी, एनालिस्टिकल पोएम्स, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, नॉन ऑफ दीज। Wings of Fire इज एन ऑटोबायोग्राफी, एनालिस्टिकल पोएम, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, नॉन ऑफ दीज। Wings of Fire की अगर बात करते हैं तो Wings of Fire जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है ए पी जे अब्दुल कलाम जी की है अब्दुल कलाम जी की, जो 1999 में पब्लिश हुई थी, 1999 में पब्लिश हुई, और इनके सहयोगी है अब्दुल कलाम जी के सहयोगी थे अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर इन्होंने विंग्स ऑफ फायर को लिखा था। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।